लगता है समुंदर में इस टीवी को ले जाकर इसका विसर्जन करना ही पड़ेगा। मई, क्या बात है, टीवी पर ही बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी क्या? अभी तक तो नहीं सागर जी, लेकिन लगता है शुरू करना पड़ेगा। अरे ये टीवी चालू ही नहीं हो रहा है कब से, तो बंगार टीवी जैसा। और सागर जी, आप नया टीवी लाकर भी नहीं दे रहे हो, और एक छोटा सा टीवी लाकर दीजिए ना। अपने पति को क्या बोल रही है? मुझे इस टीवी की बीमारी मालूम है, इसलिए मैंने वसंत भाई के ऑफिस में फोन किया था, लेकिन उनका मैनेजर नहीं था। अच्छा सुनो, वहां के शॉप में से जैसे ही फोन आए तुम नए टीवी का ऑर्डर दे देना, ओके? मई, देखो ना, मेरे टाई भाई के ऊपर चाय बहन गिर गई है, इसे जरा धोकर ला दो ना प्लीज, तब तक मैं कुछ जरूरी काम निपटा लेता हूँ, ओके? हाँ? मत धो, चलो चाप लो। मई बाबे, लासन का सारा जरूरी सामान आ गया है, हाथों हाथ लाया हूँ, बाकी तो वो भिजवा देता। ना, मैं कपड़े धो रही हूँ, साबुन खत्म हो गया है, साबुन ले आइए ना। मई भाभी, वो साबुन देना भूल गया है। जगदीश भाई भी है ना? हेलो। हाँ, जगदीश बोल रहा हूँ। लगता है जगदीश भाई तो ऐसा सो दिया है, उसने तित्ती भली गलती चल दिया, साबुन ना बेचते। हाँ जगदीश भाई, क्या चलते हो, एक ओदल भी ठीक से पूला नहीं कर पाते हो, इधर लाला हो गया है पता है। अरे भाई, वही कंफर्म करने के लिए फोन किया है। अच्छा ये बताओ, कितने नग भेज दूं? हाँ चार भेज दो। चार? अरे भाई, जब चार ले रहे हो तो छह ले लो, छह के साथ एक फ्री है। जगदीश भाई बोल रहे हैं कि चार ले लो तो छह ले लो ना, छह पर एक फ्री है। पे एक फ्री है क्या? हाँ। छे के छे भेज दो। जी जी। वाह भाई वाह, अब देखना वीरा, सासु माँ एकदम खुश खुशहाल हो जाएगी। अरे पूरे एक साबुन का पैसा जो बचा है। आराम से आराम से, रखो भाई रखो। ओह माय गॉड, इतने सारे टीवी किसके हैं? आप ही के हैं, मैडम ने मंगाए हैं। अच्छा, मॉम ने मंगवाए हैं। हाँ, पर इतने सारे? अरे इतने सारे टीवी? जगदीश भाई, मेरे घर को गोडाउन बना रहे हो क्या? क्या मजाक कर रहे हैं मैडम, आप ही ने तो मंगाए हैं सब। क्या? अरे मुझे तो एक ही टीवी चाहिए था, टीवी का काफिला नहीं। मुझे भी आश्चर्य हो रहा था मैडम, ये चार चार टीवी आप क्या करेंगे? ये फोन करने वाले पे भी शक हो रहा था, लेकिन तभी आपकी बहू फोन लाइन पे आई, इन्होंने चार के जगह छह टीवी का ऑर्डर दे दिया। ना ना सासुमा, भाई झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने कब बात की आपसे? क्या मजाक कर रही मैडम, इतनी जल्दी भूल गई आप? आप ही ने कहा ना कि छह के साथ अगर एक फ्री मिल रहा है तो भेज दो, अर्जेंट है। हाय हाय, बीमा, इसका मतलब उस वक्त फोन लाइन पे ये जगदीश भाई थे। हे भगवान, मुझे तो लगा कि वो किराने वाले जगदीश भाई हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैं अपने ही घर आया हूँ कि गलती से किसी और के घर आ गया हूँ? सागर जी, ये आपका अपना घर ही है। एक काम कीजिए, एक टीवी रहने दीजिए, बाकी के सारे ले जाइए। क्या कह रही है मैडम, आपके ऑर्डर के बाद हमने कंपनी से आपके लिए मंगवाई है ये टीवी। मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम लोग बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। You're right. मेरी बहू की गलती की सजा आप क्यों भुगते? अब नीचे क्या झुक के देख रहे हो? मैंने तो वो टाइल्स खराब हो दी है, ये देखो। एक लाफो मार दे, छुटा दो। खाली नीचे नहीं दे दूंगा, बस जाइए अपना काम कीजिए। गलती हो गई, गलती हो गई। आप बच्चे नहीं हो कन्हैयालाल, आपको इस तरह से फोन करके बोलने की क्या जरूरत थी? मैडम माँ, मैं तो वो किलाने वाले जगदीश भाई समझ के फोन पे बात कर रहा था। मैंने मई भाभी को पूछा भी सही कि जगदीश भाई बोल रहे छे पे एक फ्री है, क्या करूँ, तो मई भाभी ने बोला बेटा बेटा बेटा, मैंने बोल दिया भेज दो। तुम दोनों भाई बहन मिलके इतने सारे टीवी मंगवा लो और भुगतान मैं करूँ।
मुझे पता है वो वेरा खड़ी यहीं छुपी है। बुला उसे। मई भाभी आदो बोलिए। मैडम मही सागर मेहता, एक दो मुझे ये बताने का कष्ट करेंगी कि इतने सारे टीवी का हम क्या करेंगे? देखिए सासुमा, घर में हम 6 लोग हैं, तो कभी किसी को सीरियल देखनी होती है, तो कभी किसी को समाचार, कभी किसी को क्रिकेट देखना होता है, तो कभी किसी को भजन, और रसोड़े में भी तो। रसोड़ा? रसोड़े में क्या? रसोड़े में भी तो ससुमा इंसान ही काम करता है ना, तो उसका भी हक बनता है टीवी देखने का। आवी मोटी इंसानी मासी, जाओ निकलो यहाँ से, निकलो। अरे कन्हैया लाल। हाँ मैडम। माँ कन्हैया लाल, ये ये क्या है? ये क्या है कन्हैया लाल? हाँ पत्ते बिखरे पड़े इस तरह से, ये टीवी के बॉक्सेस बिखरे पड़े। मैडम ये तो मही भाभी को। हाँ पता है मही की वजह से ये सब हुआ है। अब मही को जाके बोलो कि सारे बॉक्सेस खोल दे और अंदर से पुर्जे निकाल के इधर उधर रख दे। ये देखो इतनी सारी जगह खाली है ना, भर दे सारी जगह। अब ये सब ठीक करोगे या मुहूर्त निकालूं? हाँ अरे एक मिनट। हाँ इन सब टीवी का क्या करना है? सोचो। सुषमा मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो, लेकिन अगले साल। ए मॉम सुनिए, को एक आइडिया आ रहा है। बापरे फूटी किस्मत उस आइडिया की। इतने सारे टीवी हैं, उसमें से कोई भी एक टीवी स्टार्ट करते हैं और सारे चैनल चेक करते हैं। उसमें कोई ना कोई चैनल पर ऐसा प्रोग्राम आता होगा जिससे हमें पता चले कि जब इतने सारे टीवी एक साथ घर में आ जाए तो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, है ना? अरे वाह सोनिया भाभी वाह, क्या आइडिया है। थैंक यू। सुषमा अब मैं बोलूं थोड़ा सा? नहीं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ सुषमा कि वो जो सातवां टीवी हमें फ्री में मिला है ना, तो उसे छोड़कर अगर बाकी के 6 टीवी हम लोग बेच दे तो 7वां टीवी हमें फ्री में हो गया ना। हो गया क्या? नहीं अलल। हाँ जाओ आरती की थाली लेके आओ। हाँ आरती की थाली क्यों मॉम? मैं तुम्हारी बीवी की आरती उतारना चाहती हूँ। ये सारे 6 बॉक्सेस सर पे रख के गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमेगी, ले लो टीवी ले लो, ताजे ताजे अभी अभी तोड़े हैं, फ्रेश फ्रेश टीवी ले लो। वाह मॉम मस्त, सोनिया के साथ रह रहकर आप भी एक्टिंग सीख गए। बस बस सुषमा ज्यादा मजाक मत उड़ाइए मेरा। आरती उतारो मेरी आरती। सब लोग चले गए, दिया भी बुझ दिया। सागर जी, ये सागर जी आप तो एकदम हवाई जहाज में बैठकर पढ़ने गए थे ना, इतने पढ़े लिखे पुरुष हो आप, तो सागर जी आप भी कोई रास्ता बताइए ना, ये 6 एक्स्ट्रा टीवी बेचकर पैसे निकाल लेगा। अरे मही मैं तो एक आम इंसान हूँ, सास बहू की उठा पटक में तो बड़े बड़े विद्वानों के दम निकल गए मही, तो मैं कहां से कोई रास्ता निकालूंगा। हाँ अगर कोई प्राणी भूले भटके मेरा सर दबाना शुरू कर दे तो हो सकता है कि मेरा दिमाग काम करना चालू कर दे। सागर जी ऐसे घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो, सीधे सीधे बोल दो ना, मही सर दबा दे। मही सर दबा दे जो, सागर जी। मही ये मेरा सर नहीं है। ओहो, 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 मही
काम कर रहा है, असर हो रहा है, असर हो रहा है। हाँ, हाँ दबा दबा, दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया मही। ओहो, ये काम तुमने पहले कर दिया होता तो सारे के सारे टीवी कब के ठिकाने लग गए होते मही। सोचिए सोचिए सागर जी, शुरू कीजिए सोचना। आइडिया बोलिए। हम ना सारे टीवी MBF पर भेज देते हैं। अरे वाह सागर जी, कितने बजे जाना है मुझे बताइए, मैं तैयार होकर आती हूँ। नहीं नहीं मही, MBF कोई जगह नहीं है, वेबसाइट है। अच्छा वहां तो नहीं, अब वेबसाइट पे जाएंगे। नहीं नहीं वहां जाना नहीं पड़ेगा। ओहो मही, जैसे हमने ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए सलमान की टोपी बेची थी ना, हाँ। वैसे ही हम ऑनलाइन टीवी बेचेंगे।